फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए और एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी में आज हम लोग बनाने वाले हैं गोवन सोल कड़ी मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर जार ले लिया है और कोकोनट जो हमें सोल कड़ी के लिए यूज आएगा। यहाँ पर है नमक और इस डब्बे में है कुछ मसाले, उसमें से जो भी मैं यूज करूंगी वो आपको बताऊंगी। अब सोल कड़ी निकालने के लिए एक बर्तन, चम्मच और ये है स्ट्रेनर, जिससे हम लोग सोल कड़ी को स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर प्लेट में मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, देख लीजिए। ये है 2 कश्मीरी लाल मिर्ची, ये है लहसुन, गार्लिक, इसको मैंने छील लिया था, इसका मैंने स्किन निकालने के बाद वॉश कर लिया था। यहाँ पर है सोल कड़ी, सोल इसको बोलते हैं, सोल भिंडा, और यहाँ पे कुछ कोरिएंडर चॉप किया हुआ लिया है, हरी धनिया, और एक ये मिर्ची जो थोड़ी तीखी रहती है। ये मिर्ची हम लोग तीखा बनाने के लिए यूज करते हैं और ये कलर के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम सोल कड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे मिक्सचर जार। अब आपको जितनी भी सोल कड़ी चाहिए उस हिसाब से आप नान ले सकते हैं, कोकोनट मैं इतना लूंगी, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले जाएगा लहसुन, गार्लिक, गार्लिक भी आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची 2, तीखी लाल मिर्ची 1, और इसके साथ नमक, उसी के साथ जाएगा जीरा। अब जीरा भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको जीरे का भी टेस्ट ज्यादा पसंद है तो ज्यादा, नहीं तो फिर कम भी लेंगे तो चलेगा। मैंने सोल कड़ी का सब पूरा मसाला इसमें ले लिया है और अभी सबको हम पीस लेंगे। पीसने के लिए अब हम लगेगा पानी। मैंने यहाँ पर 1 कप पूरा ले लिया है। अब मैं देखूंगी कि मुझे इसमें कितना यूज करना है। आप थोड़ा डाल के देख लीजिए, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको पीस लेंगे। अब मैंने इस सोल कड़ी के मसाले को मिक्सी में पीस लिया था और मैंने उसको स्ट्रेनर के मदद से स्ट्रेन कर लिया है, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग को और एक बॉल लेना है, इसमें हम लोग डालेंगे सोल भिंडा, ठीक है। इसके बाद इस मसाले को हम इसमें निकाल लेंगे, इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। और अब यहाँ पर आपको इसके अंदर सॉल्ट कितना कम है ज्यादा है वो आपको एक बार चेक करना होगा। अगर आपको लगे कि इसमें सॉल्ट कम है तो डाल लीजिए और डाल लीजिए। एक बार चेक होने के बाद अब ये सोल कड़ी हमारी खाने के लिए बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम लोग इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे कुछ कोरिएंडर लीव्स। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, देख लीजिए।
हमारी सोल कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। अगली बार मिलती हूँ आपसे और एक रेसिपी के साथ या अपने रूटीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।